अलग से 25/4/15 को जो घटना हुआ इससे हमारा दिल धड़का दे रहा है कि हर प्रत्येक हमारे जितने भी भाई लोग ड्यूटी कर रहे हैं प्रत्येक सेकंड से तड़प रहे हैं। जितना भी अब काठमांडू हुआ, गोरखा हुआ, पोखरा हुआ, वहाँ से तो पता चलता है कि ऐसा हुआ बोल के। बाकी इतना पहाड़ी इलाका जहाँ पर है कि पूरा गांव, मैंने 50-50 गांव का घर पूरा तबाह हो चुका है। प्रत्येक सेकंड में आदमी लोग बाहर में जाके मैदान में बैठे हुए, प्रत्येक समय किस समय में फिर लेके चले जाएगा पता नहीं चल रहा है। प्रत्येक सेकंड में आदमी को तड़प रहा है, घंटा में खबर आता क्या हो रहा है, कितना बच्चे मर चुके हैं, और सेकंड में हम लोग का पूरा परिवार लोग को मन तड़प रहा है कि क्या हो रहा है बोल के। तो हम लोग बैठने रखने जो भी हम लोग यहाँ पर ड्यूटी करने बैठे हैं सब आए हैं, वो लोग सोचते हैं वहाँ जाके कैसे वो देखेंगे क्या हालत में, परिवार को सेटिंग करके कर रहे हैं, मन तड़प चल रहा है। तो कोई सीमा नहीं है आदमी को, कब तक रहेंगे नहीं रहेंगे, कुछ बचेगा कुछ, उसका कोई सीमा नहीं है। इसलिए हम लोग परिवार यहाँ जितने भी हैं हम लोग सब लोग बड़े शोक मना रहे, कल भी शोक मनाए थे कैंडल जला के, अभी भी हम लोग को धड़का रहा है कि हम जाएंगे तो कैसे जाएंगे, रास्ता सब कुछ बंद हो चुका है, और किस तरफ पहुँचेंगे, किस तरह हालत का कंसर्न करेंगे, और हम मन को सोचते बैठ रहे हैं इस हालत को देख के।